वेलकम स्टूडेंट, क्लास सिद्धांत फिजिक्स का अपना पार्ट है सेवन्थ, चैप्टर है मोशन इन ए लाइन काइनेमेटिक्स। तो देखो, लास्ट के अंदर अपना रह गया था कि जो पीछे पढ़ा था एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, जिसके अंदर अपन ने बोला था कि एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो शो करता है जर्क को। तो जर्क की अपने पास कोई डेफिनेशन नहीं थी, अपन ने कोई एक सिंपल मीनिंग बताना था कि एक्सीलरेशन का एक सिंपल मीनिंग कैसे हो सकता है। तो अगर बात करें तो जर्क क्या होता है, चेंज इन एक्सीलरेशन डी ए ओवर डी टी, ठीक है, जो शो करता है एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ के स्लोप को। आगे समझ में, उसकी अदर फॉर्म्स होती है ये, इनको भी एक जर्क बोला गया है, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी एंड थर्ड डेरिवेटिव ऑफ पोजिशन। अब देखो, इसको समझने के लिए जर्क कोई डेफिनेशन नहीं है अपने पास जर्क की, जर्क को अपन सिर्फ इतना बोल सकते हैं कि चेंज इन एक्सीलरेशन। उसके अलावा अपने को अगर डेफिनेशन बतानी हो तो कैसे बताएंगे, देखो सिंपल मीनिंग की इम्पल्स होता है कि जब छोटे से टाइम के फोर्स के लिए, बहुत से छोटे फोर्स के लिए टाइम, बहुत छोटे टाइम के फोर्स के लिए जब मोमेंटम में चेंज होता है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, बहुत कम टाइम के लिए अपन फोर्स लगाएं, ठीक है, तो और उसके मोमेंटम में चेंज हो जाए तो वहाँ पे बोलते हैं अपन इम्पल्स प्रोड्यूस हुआ। जैसे अपनी वेंस होती है, जो वेंस नाड़ियाँ होती है उसके अंदर क्या हो, कई बार किसी चीज़ के टकराने से वेंस दब जाती है, तो उसकी वजह से मोमेंटम में चेंज होने की वजह से इम्पल्स पैदा होता है, जिसकी वजह से अपने विंस में पेन होना स्टार्ट होता है ना। वैसे ही होता है सर्ग होता है जब इलेक्ट्रिक करंट या वोल्टेज में हाई इंक्रीजेबल आ जाए तो वो क्या हो जाता है, सर्ग हो जाता है, और वो क्या होता है, इफेक्ट ख़राब हो जाता है, अपनी वायर ख़राब हो सकती है या जो बॉडी टच में है उसके ऊपर हार्मफुल इफेक्ट होता है। तो इसी तरह होता है जर्ग को बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव फॉर्म ऑफ एक्सीलरेशन, कुछ कंडीशन में इसको बोला गया है डिस्ट्रक्टिव फॉर्म ऑफ एक्सीलरेशन, यानी एक्सीलरेशन के चेंज होने की वजह से जो मूविंग बॉडी है उसके ऊपर ख़राब इफेक्ट पड़ता है। जैसे कोई मूविंग बस है और कोई पैसेंजर उसमें से उतरता है मूविंग बस में से, तो एक्सीलरेशन में चेंज होने की वजह से, इनर्शिया में चेंज होने की वजह से उस पैसेंजर क्या है, वो पैसेंजर चलती बस से क्या हो जाता है, नीचे गिर जाता है। तो वहाँ पर एक्सीलरेशन चेंज होने की वजह से जर्क पैदा हुआ, जर्क ने क्या किया, डिस्ट्रक्टिव फॉर्म बनाई अपनी और उस पैसेंजर को नीचे गिराया। ये था अपना जर्क। अब देखो आगे जो नई चीज़ आती है वो है मोशन अंडर ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी फोर्स के अंडर इन्फ्लुएंस में कोई ऑब्जेक्ट है वो किस टाइप से मोशन करता है। जैसे देखो, मोशन अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटेशन फोर्स के अंडर किस टाइप से मूव करता है, तो कोई ऑब्जेक्ट है वो ग्रेविटी के अंडर दो टाइप से मूव करता है, या तो वो अपनी अर्थ है, अगर हमेशा जी जो अपना ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा एफ जी, वो क्या लगेगा, अर्थ के सेंटर की ओर लगेगा, तो या तो कोई ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के ग्रेविटेशन फोर्स के अपोजिट मूव करे, या अर्थ के ग्रेविटेशन फोर्स के इन्फ्लुएंस में नीचे मूव करे, या तो उसके डायरेक्शन में है या उसकी डायरेक्शन के अपोजिट मूव करे, दो टाइप से मोशन होती है। इन दो टाइप की मोशन का या ग्रेविटेशन फोर्स का किसी ऑब्जेक्ट की मोशन पे इफेक्ट जानने के लिए अपन क्या देखेंगे, इनकी मोशन देखेंगे और इनकी मोशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे। तो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड इज वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, यानी जब ग्रेविटेशन फोर्स लगता है किसी चीज़ के ऊपर तो इन तीन चीज़ों के ऊपर, इन तीन इक्वेशन के ऊपर चेंज आता है, और उस चेंज को जानने के लिए अपन इसका पूरा रीड करेंगे इसको चैप्टर को। तो देखो अब कुछ चीज़ टर्म है वो याद ही रखनी है आपको, क्या, पहली बात कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के ऊपर मूव करता है सेंटर से तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव लेंगे, नीचे मूव करता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव लेंगे, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नीचे आ रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव। आगे समझ में, एक चीज़ और, तीन चीज़ यही, इसमें वेलोसिटी है, एक्सीलेशन है और टाइम है। टाइम तो वेक्टर क्वांटिटी है, उसका तो प्लस माइनस है ही नहीं, एक्सीलेशन बताया, डिस्प्लेसमेंट है, और एक वेलोसिटी
डिस्प्लेसमेंट और एक्सीलरेशन। वेलोसिटी की बात कर ली, डिस्प्लेसमेंट की बात कर ली, एक्सीलरेशन की बात करते हैं। एक्सीलरेशन अब यहाँ पे कौन सा होगा? ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन, ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन, जिसे शो करते हैं अपन जी से, जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट अपन लेते हैं 9.8, या अगर अपने को क्वेश्चन में दी नहीं हुई है तो अपन लेंगे 10, ठीक है, 9.8 या 10 लेते हैं अप्रोक्सीमेट। अब जो जी की वैल्यू है वो क्या हमेशा यही रहती है 9.8 या अप्रोक्सीमेट 10, तो इसका आंसर होगा कि जी जो है वो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, कुछ फैक्टर्स पे, जैसे जी जो है वो डिपेंड करता है रेडियस ऑफ अर्थ, डेप्थ ऑफ अर्थ और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम अर्थ। यानी जो जी की वैल्यू है वो जैसे जैसे अपन अर्थ के अंदर जाएंगे, डेप्थ में जाएंगे, तो चेंज होती जाएगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो अर्थ से बहुत ज़्यादा हाइट के ऊपर, इतनी हाइट के ऊपर कि उसकी जो हाइट है वो अप्रोक्सीमेट इक्वल हो जाए अर्थ की रेडियस के, यानी कितनी होती है अर्थ की रेडियस 6400 किलोमीटर, इस हाइट के ऊपर अगर ऊपर कोई ऑब्जेक्ट फेंका जाए ऊपर से नीचे आए, तो उसके लिए जी की वैल्यू चेंज हो जाती है, उस टाइम 9.8 नहीं रहती, उस टाइम चेंज हो जाएगी। या कोई ऑब्जेक्ट है वो इतनी मोशन कर दे, इतनी ऊंचाई पर चला जाए कि उसकी जो रेंज है, हाइट है, वो क्या है, अप्रोक्सीमेट क्या है, अपन कंपेयर कर सकें अर्थ की रेडियस से। अगर अर्थ की रेडियस से कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, उसको बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट है उसका ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन क्या है, कॉन्स्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे तो अपन क्या मान रहे हैं, कॉन्स्टेंट मान रहे हैं, और कॉन्स्टेंट मानने का एक चीज़ अपन ये भी बोल सकते हैं कि जो बॉडी है वो क्या है, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड है। क्या है? यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड। जी की वैल्यू अगर कॉन्स्टेंट रहेगी तो उसकी मोशन को बोलेंगे यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड, यानी जी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, एक्सीलरेशन हमेशा यूनिफॉर्म रहता है। और अगर एक्सीलरेशन हमेशा यूनिफॉर्म रहेगा तभी ये तीनों अप्लाई होंगी। फिफ्थ पार्ट के अंदर इस लेक्चर के मैंने बताया था कि ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये तभी अप्लाई हो सकती है जब क्या हो, ये जो एक्सीलरेशन की वैल्यू हो क्या हो, यूनिफॉर्म हो। अगर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन नहीं होगा अपने पास तो ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन काम नहीं करेगी, ये अप्लाई नहीं हो सकती। तो इसलिए हमेशा जी को कैसा माना जाता है, कॉन्स्टेंट या यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ताकि अपन इक्वेशन ऑफ मोशन ये तीन है इनकी स्टडी कर सके। तो आगे समझ में, जी की वैल्यू हमेशा क्या लगेगी, अपन कॉन्स्टेंट, चेंज हो जाती है जब कोई ऑब्जेक्ट है वो अर्थ की रेडियस के कंपेरिजन में इतनी हाइट पे ऊपर मूव करने लग जाए, या अर्थ के डेप्थ के अंदर चला जाए बहुत ज़्यादा, तो उसको बोलेंगे। अब इसको कुछ एग्जांपल के थ्रू अपन समझने की कोशिश करते हैं। देखो एक टावर है, हाइट है उसकी 20 मीटर, इस टावर से कोई ऑब्जेक्ट है वो फेंका जाता है तो वो प्रोजेक्टाइल अपवर्ड मोशन करते हुए नीचे आता है। कैसी मोशन? प्रोजेक्टाइल अपवर्ड। प्रोजेक्टाइल का मतलब होता है ये ऐसे, और अपवर्ड ये जा रहा है, कोई ऑब्जेक्ट है वो प्रोजेक्टाइल अपवर्ड मोशन करते हुए जा रहा है। अब एक चीज़ आगे कन्फ्यूज़ हो, जैसे अपन कितनी वेलोसिटी से फेंका गया है, यू इज इक्वल टू प्लस 5 मीटर पर ऊपर जा रहा है, तो वेलोसिटी क्या लेंगे, प्लस। एक दो चीज़ अभी देख लो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका गया, यहाँ से यू वेलोसिटी से ऊपर फेंका जाता है, यू वेलोसिटी फेंका गया तो ऊपर जाएगा, ऊपर जाता है तो उसकी मैक्सिमम हाइट पे उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, याद है। और जब नीचे आता है तो अगर इस पॉइंट के ऊपर उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से फेंका था तो ऊपर से नीचे आते टाइम इसी पॉइंट के ऊपर उसकी वेलोसिटी वापस 10 मीटर पर सेकंड हो जाती है, यानी सेम पॉइंट के ऊपर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, वापस वो अपनी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी थी वही गेन कर लेता है वापस। यानी इस पॉइंट के ऊपर जो 10 मीटर पर सेकंड थी वही ऊपर से नीचे आने पर यहाँ पे भी क्या हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड, यानी यहाँ पे जो पॉइंट है ये पॉइंट यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, वापस 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। आगे समझो, याद रखनी आपको ये चीज़। दूसरी चीज़ कि ये जो प्रोजेक्टाइल अपवर्ड है वो इस टाइप से है, ये मोशन करते हुए इस टाइप से आ रहा है, ये इतना घूम नहीं रहा, ये ऐसे नहीं जा रहा ऐसे, ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए कि प्रोजेक्टाइल अपवर्ड मोशन ऐसे होती है इसलिए इसको थोड़ा स्पेस देके दिखाया, लेकिन एक्चुअली में क्या कर रहा है, इस हिसाब से कर रहा है कि ऊपर जाके ऊपर ही अपने पाथ पे घूम गया, अपना पाथ है
उसी पाथ के ऊपर घूम के उसी पाथ के ऊपर नीचे आ रहा है, ठीक है। जिस पाथ से गया था उसी पाथ के ऊपर थोड़ा घूमा और वापस उसी पाथ पे नीचे आ गया, यानी इस पाथ के ऊपर थोड़ा घूमा इसी पाथ के लॉन्ग थोड़े डिफरेंस से क्या गया, नीचे आ गया, ठीक है। इस हिसाब से नीचे आया, ऐसे इतना पाथ उसने इतना प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं किया कि ये इतना घूमा है, नहीं, ये बिल्कुल थोड़ा सा घूमा है और नीचे आ गया। आगे सुन, तो ये पॉइंट जो है नीचे वाला, ये पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे, कहाँ पे है ये पॉइंट, यहाँ पे। तो इसके बीच में आप प्लीज़ डिफरेंस मत करना, यहाँ पे मानना इस पॉइंट को, ये पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे ये पॉइंट है, एक्चुअली में ये पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे, ये ए डैश मानता हूँ मैं, ठीक है, इसको दिखाने के लिए। तो उस कंडीशन में इसने पूछा है कि टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, टोटल टाइम कितना लगा है उसको ग्राउंड तक पहुँचने में, यहाँ तक आने में, यानी जो एक्चुअल पोजीशन है ऊपर मोशन करके यहाँ तक आने में उसको कितना टाइम लगा है ग्राउंड तक। तो देखो क्या फाइंड आउट करना है, टाइम। तो अपन इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, सेकंड क्या होती है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए लूँगा मैं जी। एक चीज़ और देखो बता रहे कि जो जी होगा, अपन ने एक्सीलरेशन टाइम वेलोसिटी बता दी, ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव, नीचे आएगा तो नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव, नीचे आएगा तो नेगेटिव। अब बात करते हैं जी कि जी, जब जी की जो साइन है वो कैसा होगा, प्लस होगा या माइनस होगा। तो दो टाइप की मोशन, एक तो ऊपर, अर्थ से अगर ऊपर गया तो जी कहाँ पे लगता है, हमेशा नीचे, और अगर ऊपर जा रहा है तो जी कैसा होगा, माइनस, हमेशा ऊपर फोर्स अपना नीचे खींच रहा है, ग्रेविटेशन, ऑब्जेक्ट जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की ओर, तो उसके लिए ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन क्या होगा, माइनस, अपोजिट डायरेक्शन में। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आए तो यानी वो क्या आ रहा है, ग्रेविटेशन अपने फोर्स के अकॉर्डिंग आ रहा है, उसी डायरेक्शन में आ रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में भी उसका ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन माइनस जी ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर मानो उसकी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है नहीं होता, अगर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स नहीं लगता तो वो अपनी नेचुरल मोशन के हिसाब से आता। लेकिन जो ये जी क्या कर रहा है, ये इसकी नेचुरल मोशन को और ज़्यादा एक्सपेंड कर रहा है, उसकी नेचुरल मोशन को और ज़्यादा नीचे खींच रहा है, जैसे जैसे वो नीचे आएगा वो उसको और ज़्यादा खींचता जाएगा, यानी उसकी नेचुरल मोशन नहीं करने दे रहा, उसकी नेचुरल मोशन में क्या ला रहा है, वो कॉन्ट्रास्ट ला रहा है, कॉन्ट्रास्ट यानी उसकी नेचुरल मोशन को, जैसे जैसे वो ऊपर आया यहाँ पे था तो उसको थोड़ा कम खींच रहा था, अब नीचे आएगा तो वो उसको और ज़्यादा खींचेगा, यानी उसकी मोशन तो थी माइनस जी, माइनस साइन तभी लगेगा जब उसकी मोशन का विरोध हो रहा हो। अब ये ऊपर जा रहा था तो उसकी मोशन को इसने अपनी डायरेक्शन में खींचा, उसका विरोध किया, अब यहाँ पे भी सेम चीज़ हो रही है कि नीचे आ रहा था तो जैसे जैसे नीचे आएगा उसको और खींचता जाएगा, उसकी स्पीड और बढ़ाता जाएगा, तो उस कंडीशन में भी उसके मोशन का विरोध किया तो उस कंडीशन में भी जी क्या होगा, माइनस, यानी ऊपर जाए चाहे नीचे आए दोनों कंडीशन में जी क्या लेंगे, माइनस लेंगे, तो यहाँ पे जी क्या होगा, माइनस का, याद रखना ये चीज़। तो एस कितना है अपना, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो फाइनल पोजीशन इसकी है, इनिशियल पोजीशन इसकी है, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, जो इस टावर की हाइट है 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर, क्योंकि ये तो यहाँ पे नहीं है, कब कभी है आपको ये कहो कि यहाँ से ये इतना लो, ऐसे लो डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि मैंने बताया ये पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं, ऐसे नहीं लेंगे डिस्प्लेसमेंट इसका, त्रिभुज बना के, ट्रायंगल बना के। तो एस की वैल्यू 20, यू अपना 5, टी माइनस हाफ, जी की वैल्यू दी नहीं हुई तो 10 लेंगे, टी स्क्वायर 20, 5t माइनस 5t स्क्वायर, टी स्क्वायर 4t माइनस टी स्क्वायर, टी स्क्वायर माइनस टी माइनस प्लस 4 इक्वल टू 0। ये अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके अपन टी के जो रूट्स निकालेंगे, उस टी के रूट के अंदर एक आएगा प्लस का, एक आएगा माइनस का, माइनस वाले को अपन नहीं लेंगे, प्लस वाले को लेंगे, क्योंकि टाइम है वो माइनस में नहीं होता, प्लस में होता है, और वो क्या होगी, एक्चुअल वैल्यू होगी ग्राउंड तक पहुँचने के टाइम की। आगे क्वेश्चन, आगे देखो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, सो एग्जाम्पल अपना बिल्कुल आसान सा, अगला क्वेश्चन ये है
कि कोई टैप है अपने पास, उस टैप से क्या है, हर एक सेकंड में एक एक ड्रॉप गिर रही है, हर एक सेकंड में क्या गिर रही है, एक ड्रॉप गिर रही है। तो इसने पूछा है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन थर्ड एंड फिफ्थ ड्रॉप व्हेन सिक्स्थ ड्रॉप इज कमिंग आउट, कि जब छठी ड्रॉप आ रही है उससे पहले जो तीसरी और पांचवी ड्रॉप आई थी उन्होंने कितना डिस्टेंस कवर किया और उन दोनों के बीच में कितना अंतर है, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस में कितना अंतर है। देखो यहाँ पे एक बार समझो कि हर एक सेकंड के इंटरवल में एक ड्रॉप गिर रही है, तो जब छठी ड्रॉप गिर रही है, गिरने वाली है, गिरी नहीं है, टैप से निकली नहीं है, जब यहाँ पे है तो बताओ कि तीसरी और पांचवी ड्रॉप ने कितना डिस्टेंस कवर किया और उन दोनों के बीच में कितना अंतर है, कितनी दूरी पे है तीसरी और पांचवी ड्रॉप उस टाइम जब छठी ड्रॉप आ रही है, यानी कि जब सिक्स ड्रॉप आ रही है निकलने वाली है उससे पहले कौन सी आई थी, सिक्स से पहले फिफ्थ कितने टाइम पहले, एक सेकंड पहले आई थी, एक सेकंड के इंटरवल में आ रही है ना, एक सेकंड पहले पांचवी आई थी, उससे एक सेकंड पहले फोर्थ आई थी या नहीं आई थी, उससे जस्ट एक सेकंड पहले थर्ड ड्रॉप आई थी। तो पूछा है थर्ड और पांच तीसरी और पांचवी ड्रॉप के बीच में अंतर बताओ, डिस्प्लेसमेंट कितना है, कितनी दूरी पे है। तो जब सिक्स ड्रॉप आने वाली है उससे पहले पांचवी ड्रॉप ने कुछ हाइट कवर कर ली होगी H5, या ऐसे बोल सकता हूँ कि जब सिक्स ड्रॉप निकलने वाली है उससे पहले पांचवी ड्रॉप ने एक सेकंड तक कुछ डिस्टेंस कवर किया है, यानी एक सेकंड तक चली है, कौन सी, पांचवी ड्रॉप। जब सिक्स ड्रॉप निकलने वाली है उससे पहले थर्ड ड्रॉप है वो क्या है, H3 हाइट कवर करती है, या ऐसे बोल सकता हूँ कि जब सिक्स ड्रॉप निकलने वाली है उससे पहले जो थर्ड ड्रॉप है वो एक दो तीन तीन सेकंड तक चली है, कितने सेकंड तक, तीन सेकंड तक चली है। आगे समझें ये बात है। अब पूछा है तीसरी और पांचवी ड्रॉप ने कितनी हाइट कवर की, तो H5 तो पांचवी ने की है और H3 ने तीसरी, तो और उनके बीच में डिफरेंस बताओ थर्ड और फिफ्थ ड्रॉप के बीच में डिस्प्लेसमेंट, यानी ये वैल्यू पूछ रहा है तीसरी और पांचवी के बीच में, इसको क्या बोल सकता हूँ मैं, ये जो वैल्यू है ये कहाँ से आएगी, अगर इसमें से इतनी माइनस कर दूँ यानी H3 में से H5 माइनस कर दूँ तो ये अपने पास अंतर आ जाएगा इन दोनों के बीच का, ये अपने को बताना है कितना होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, क्या क्या दिया है आपको, टाइम है और कुछ डिस्प्लेसमेंट है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे अपन सेकंड, S इज इक्वल टू UT माइनस हाफ GT स्क्वायर लेंगे क्या। अब एक चीज़ बोला था कि अगर ऑब्जेक्ट है, दो टाइप की मोशन होती है, देखो वापस, अगर ऊपर से नीचे फेंका है तो U की कुछ वैल्यू होगी, इनिशियल वेलोसिटी से फेंकेंगे, कुछ ना कुछ वेलोसिटी देके फेंकेंगे, जब मैक्सिमम हाइट पे चला जाएगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, जब मैक्सिमम हाइट पे जाएगा उस पॉइंट पे उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो। जब वापस ऊपर से नीचे स्टार्ट करता आना तो इस पॉइंट के ऊपर उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो मानते हैं और उसकी कुछ ना कुछ फाइनल वेलोसिटी मानी जाती है, यही होता है, कुछ ना कुछ मानेंगे, ये दो कंडीशन होती है, जब एक तो ऊपर जा रहा हूँ और एक जब नीचे आ रहा हूँ, ये दो कंडीशन लेते हैं। तो अब क्या है, ड्रॉप क्या आ रही है, नीचे आ रही है, तो नीचे आ रही है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो लेंगे, फाइनल वेलोसिटी उसकी कुछ ना कुछ होगी, इनिशियल वेलोसिटी जीरो लेंगे तो यू क्या लेंगे, जीरो, ये टर्म क्या हो जाएगी, जीरो, इसको अलग कर देंगे, बचा क्या, माइनस हाफ GT स्क्वायर। तो S निकालना है पहले तीसरी का डिस्प्लेसमेंट, पहले तीसरी ड्रॉप का डिस्प्लेसमेंट H3 निकालेंगे, तो माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टाइम, कितने टाइम तक चली है तीसरी ड्रॉप, एक दो तीन, तीन सेकंड तक चली है तीसरी ड्रॉप, यानी तीन की स्क्वायर, यह आ जाएगा अपने पास -45 मीटर। देखो आगे समझो, H5 निकालोगे तो H5 माइनस हाफ GT स्क्वायर, या इसको बोल सकते हो माइनस हाफ इंटू 10 इंटू कितने सेकंड तक चली है पांचवी ड्रॉप, एक सेकंड तक ही चली थी,
एक स्क्वायर, ये आएगा माइनस पाँच मीटर। तो इतनी डिस्टेंस तो इतने कवर किया है और इतने डिस्टेंस उसने कवर किया, दोनों के बीच में डिफरेंस निकालना होगा। तो H3 माइनस H5 कितना आएगा भाई, माइनस 45 में से माइनस 5 माइनस करेंगे यानी माइनस 40 मीटर। ये आ गई किसकी वैल्यू, H3 माइनस H5 की, दोनों के बीच के डिफरेंस की इसकी। अब देखो यहाँ पे माइनस साइन लग रहा है हर चीज़ में, इसमें भी माइनस आ रहा है, इसमें भी माइनस आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि जो H3 है और H5 है और H3 माइनस H5 है, मैंने बोला था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो ऊपर जाता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट प्लस लेंगे, नीचे आता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट माइनस लेंगे। अब ड्रॉप नीचे आ रही है तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, माइनस होगा। आ गया समझ में, हो गया क्लियर। तो ये थे अपने मोशन एंड ग्रेविटी के कुछ न्यूमेरिकल्स। अब एक लॉ है सिंपल सा जिसे बोला गया है गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। सिंपल सा लो है, पहले समझते हैं क्या कह रहा है, फिर देखो इसकी डेफिनेशन बाद में समझेंगे, पहले इसको प्रूव कर लेते हैं कहना क्या चाहता है। तो देखो गैलीलियो ने बताया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के अलोंग आए, अर्थ के नीचे की ओर आए, सेंटर की ओर आ रहा है, जब अर्थ के सेंटर की ओर आ रहा है तो उस टाइम उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगी, उसके डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन ऑफ मोशन यानी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगी, एस इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब ऊपर से नीचे आ रहा है तो यू तो जीरो लेंगे, इनिशियल वेलोसिटी यानी ये बना, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ वाई इज इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। वाई मैंने इसलिए लिया है क्योंकि अर्थ की ये क्या है, वाई एक्सिस है, ये क्या है एक्स एक्सिस, और ऑब्जेक्ट क्या है इस वाई एक्सिस के ऊपर कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, यानी वाई एक्सिस पे वाई की वैल्यू आएगी, कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट आएगा वाई का, आएगा समझ। तो इसको एस लिख लो या वाई लिख लो एक ही बात है, ये अपनी मनी इक्वेशन एक्स एक्स, जब कोई ऑब्जेक्ट है वो ऊपर से नीचे वाई एक्सिस के अलोंग नीचे गिरता है, कौन सी इक्वेशन, वाई इज इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो बोला है इक्वल टाइम इंटरवल, मान लो कुछ टाइम इंटरवल दे रहा है कि उसने बोला 0t, 2t, 3t, 4t, ऐसे क्या है, उसने इक्वल टाइम इंटरवल लिए बहुत सारे, यानी पहले 0 था फिर उसमें t प्लस किया फिर उसमें और t प्लस किया, इस तरह टाइम t प्लस प्लस करते जा रहा है, वो इक्वल टाइम इंटरवल बना रहा है। तो बोला है कि अगर ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा था तो जब t क्या है 0 सेकंड था तो वो यहाँ पे था, तब उसकी पोजीशन वाई जीरो मान ली थी, इस हिसाब से टी सेकंड बाद उसकी पोजीशन वाई वन ले लो, 2t सेकंड बाद उसकी पोजीशन वाई टू ले लो, ऐसे क्या है वो अलग अलग पोजीशन आ रही थी उसकी वाई थ्री, 3t टाइम सेकंड बाद, है ना। तो इस पोजीशन को बताना है अपने को वाई वन वाई टू वाई जीरो। देखो कैसे बताएंगे, उस फॉर्मूले के अंदर जब जीरो रखेंगे तो y0 कितना आएगा, 0 आएगा या नहीं आएगा, जब t रखेंगे तो इसको मान लेते हैं पोजीशन आई उसकी y1 कितनी आएगी, यही आएगी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। वाई टू रखेंगे यानी 2t रखेंगे t के अंदर, जब t के अंदर 2t ऐसे रखेंगे देखो माइनस हाफ जी टी की जगह क्या रखेंगे, 2t की स्क्वायर यानी माइनस हाफ जी इंटू 4t स्क्वायर, ये बना। मैं इसको वैसे लिख सकता हूँ 4 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ऐसे वाई थ्री बनेगा, इसको सॉल्व करके देखना अंदर 9 माइनस हाफ
जी टी स्क्वायर वाई फोर बनेगा 16 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ऐसे ही 25 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये क्या है, ये टर्म जो है ये पोजीशन की टर्म है, किसकी पोजीशन की टर्म है, पोजीशन की, यानी जीरो सेकंड पे ये उसकी पोजीशन है, टी सेकंड पे ये उसकी पोजीशन है, टू टी पे ये पोजीशन है, थ्री टी पे ये पोजीशन है, फोर टी पे ये बता रही है इसकी पोजीशन। अब इन पोजीशन को मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ वाई नोट के फॉर्म में, इन सभी को वाई नोट के फॉर्म में बना दो, वाई नोट के फॉर्म में या वाई वन की वाई, तो ये क्या होगा वाई नोट जीरो, ये हो गया अपना वाई वन, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ वाई टू को माइनस फोर या फोर वाई वन लिख सकता हूँ क्या भाई, वाई वन हो गया, वाई टू को क्या लिख सकता हूँ फोर, ये किसकी वैल्यू है वाई वन की, ऐसे ही वाई टू को लिख सकता हूँ नाइन, वाई थ्री को नाइन वाई वन, वाई फोर को 16 वाई वन, वाई फाइव को 25 वाई वन, और वाई सिक्स को 36 वाई वन। ये उसकी पोजीशन आ गई वाई वन की टर्म में, वाई वन को एक बेस मानते हुए अपन ने उसकी पोजीशन बता दी। अब अपने को सबकी बतानी नहीं है, यानी अगर अपने को वाई वन की पता है पोजीशन तो अपन सबकी बता सकते हैं, सबके अंदर इसकी फॉर्मूला लगा के हल करने की ज़रूरत नहीं है। ये पोजीशन आ गई, अब बोला है कि इनके बीच में डिस्टेंस निकालो, तो डिस्टेंस निकालनी होगी वाई नोट यहाँ पे है, यहाँ पे वाई नोट है, उसके थोड़ी दूर पे वाई वन है, उसके थोड़ी दूर पे वाई टू, फिर ऐसे वाई थ्री। तो जब बोले डिस्टेंस निकालो इन दोनों के बीच की, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कैसे निकलेगी, वाई वन माइनस वाई नोट, इन दोनों के बीच की वाई टू माइनस वाई वन। तो ऐसे निकाल के बतानी है अपने को, पहली दूसरी, दूसरी तीसरी, तीसरी चौथी और उसके बाद की। तो देखो कैसे निकालूंगा, देखो कितनी आएगी इन दोनों के बीच की, वाई वन माइनस वाई नोट, या ये तो क्या है जीरो है, तो यानी क्या लिख सकता हूँ उसको वाई वन, उसके बाद इन दोनों के बीच की कितनी आई वाई टू माइनस वाई वन करोगे, y2 की वैल्यू 4y1 माइनस 1y1 यानी 3y1, इन दोनों के बीच की 5y1 कितना आया 7y1, ऐसे ही आएगा 13y1, ऐसे ऐसे चलता जाएगा। ये क्या रही है, ये तो थी पोजीशन, ये तो थी सीधी पोजीशन, ये थी y1 की बेस के हिसाब से पोजीशन, और ये थी इन दोनों के बीच के डिस्टेंस, हर पोजीशन के बीच की डिस्टेंस। तो इनके अंदर आप देखो कि गैलीलियो ने क्या बताया, जब यहाँ तक निकाल लिया फिर उसने एक चीज़ सोची कि जब मैं ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर से नीचे गिराए और उसके अंदर इक्वल टाइम इंटरवल लूँ तो लास्ट में जो उसकी डिस्टेंस निकलती है वो ऑड नंबर के रेशियो के अंदर होती है, वो ऑड नंबर के रेशियो में कैसी होती है, ओड नंबर में होती है। रेशियो कैसे चलता है उनका, ओड नंबर के हिसाब से चलता है, ओड नंबर है ना, वन वन वाई वन, थ्री वाई वन, फाइव वाई वन, सेवन नाइन इलेवन थर्टीन, यानी जब इक्वल टाइम इंटरवल लिया जाए और ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे मूव कर रहा है, ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन नीचे आ रहा है, तो उस कंडीशन में जो उनके बीच की डिस्टेंस होती है हर पोजिशन के, वो क्या होती है, एक ओड नंबर के रेशियो में होती है, ओड नंबर के रेशियो के अंदर होगी, तो इस टाइप से होगी, इसे बोलते हैं गैलीलियोज लॉ ऑफ ओड नंबर्स। ये हो गया अपना गैलीलियोज लॉ ऑफ ओड नंबर। इसके बाद एक दो वीडियो लेक्चर हो रहे हैं मोशन अंडर ग्रेविटी के, न्यूमेरिकल्स करना साथ में, और ये बिल्कुल सिंपल था, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक ऐसे, ठीक है, तो आगे स्टडी करते रहना, ठीक है।